आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला पे आते हैं हम लोग। ठीक है, कल हमने पहला फार्मूला कर लिया, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स कितना होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ई पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम दो तीन क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस टू डी एक्स कहीं पर लिखा है तो सिंपली आप इसको ई पावर एक्स प्लस टू लिख देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अगर कहीं पर इंटीग्रेशन एक्स पावर ई पावर एक्स प्लस फाइव है तो आप इसको सिंपली e पावर x प्लस फाइव लिख देंगे। समझ में आया? थर्ड फॉर्मूला, थर्ड क्वेश्चन देखिए, e पावर x प्लस a, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e पावर x प्लस a प्लस c। तो देख रहे हैं आप, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। अगर आपका लिखा e पावर x प्लस a अपॉन b डी एक्स तो आप इसको e पावर x प्लस a अपॉन b प्लस c लिख देंगे। और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल सेम है सारे, तो ये हो जाएगा e पावर अगर आपका x प्लस p प्लस q प्लस r dx लिखा है तो आप इसको लिख देंगे e पावर x प्लस p प्लस q प्लस r प्लस c। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए, थर्ड, इंटीग्रेशन a पावर x dx, इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डी एक्स, जैसे ई पावर एक्स एज इट इज ई पावर एक्स था, यहाँ पे ए पावर एक्स एज इट इज ए पावर एक्स हो जाएगा। बताइए, याद हो गया आपको? देखिए, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स याद है, डिफरेंशिएशन भी सेम था, ऐसे ए पावर एक्स का ए पावर एक्स आप याद रख लीजिए कि जहाँ भी ए पावर एक्स आएगा मैं एज इट इज ए पावर एक्स लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन में लॉग ए। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, लॉग ए। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अगर कहीं पे लिखा है टू पार एक्स डी एक्स तो मैंने क्या कहा आपको, सिंपली इसको टू पार एक्स लिख दीजिए, टू पार एक्स, साथ में अपॉन में क्या लिखेंगे, लॉग ए। ए क्या है, ए पावर एक्स, ए क्या है यहाँ पे, टू, बस। ठीक है, सेकंड मान लीजिए आपके पास आ गया थ्री पार एक्स डी एक्स, क्या लिखोगे बेटा, थ्री पावर एक्स एज इट इज, अपॉन में क्या लिखेंगे, लॉग थ्री। थर्ड क्वेश्चन, अगर कहीं पर आ गया 2 पार x इंटू थ्री पार x इंटू फोर पार x dx, ऐसे आ गया क्वेश्चन कन्फ्यूजन के लिए। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे 2 इंटू थ्री इंटू फोर सबकी पावर x है। समझ में आई बात? यानी ये क्वेश्चन बन गया 2 थ्री जा 6 फोर जा 24 पार x, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 24 पार x अपॉन log ऑफ 24, log ऑफ 24 प्लस c। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फोर्थ, अगर कहीं पे ऐसे आ जाता है आपका ए पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स अपॉन सी पावर एक्स डी एक्स, ये तो आप कर लोगे अब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताइए, ए बी अपॉन सी होल पावर एक्स डी एक्स। समझ गए बच्चे? तो ये क्या हो जाएगा बताइए आप, एज इट इज, तो ए बी अपॉन सी होल पावर एक्स एज इट इज अपॉन लॉग ऑफ जिसकी भी पावर एक्स है, किसकी पावर है एक्स, ए बी अपॉन सी की पावर एक्स है, ये हो जाएगा आपका। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पी पावर एक्स अपॉन क्यू पावर एक्स, कर देंगे इसको आप, ये कितना हो जाएगा, पी अपॉन क्यू होल पावर एक्स। समझ में आई बात? पी अपॉन क्यू होल पावर एक्स बोले तो कितना, पी अपॉन क्यू होल पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ पी अपॉन क्यू प्लस सी। तो आप देखिए, दो फॉर्मूले और हो गए हमारे, टोटल तीन फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे इसको।